अंजलि बेटा, अरे अंजलि, अरे पापा, अरे अंजलि बेटा, क्या कर रही हो भाई? पढ़ाई कर रहे हैं पापा। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे तुम पढ़ाई करोगी तभी तो सशक्त बनोगी। पापा बहुत सुनते हैं सशक्त, सशक्त क्या होता है सशक्त? अरे सशक्त के बारे में नहीं जानती हो? देखो सशक्त का मतलब होता है मजबूत होना है। अब महिला का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अगर महिला सशक्त होगी तो हमारा परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। इसलिए पढ़ लिख कर सशक्त बनो, पढ़ो। लेकिन पापा पढ़ने लिखने से ना मजबूत होता है, वो तो खाने पीने से, व्यायाम करने से, खेलने कूदने से मजबूत होता है। अरे बेटी, खाने पीने से शरीर मजबूत होता है, दिमाग मजबूत नहीं होता है। दिमाग मजबूत होने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। तो तुमको एकदम पढ़ लिख के सशक्त होना है और देश की सेवा करना है। लेकिन पापा हमको इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगा? ए भाई देखो, इसके बारे में बहुत कुछ है। सरकार बहुत सारा स्कीम चलाई हुई है, बहुत सारा योजना चलाई हुई है। अब वो उज्ज्वला योजना है, कस्तूरबा योजना, और वो बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये सब योजना सरकार चलाई हुई तुम्ही लोग के लिए। हमको उतना तो जानकारी है नहीं भाई। पापा हम लोग कैसे जानेंगे? तो तुम चिंता क्या कर रही हो? रुको रुको, अभी रुको, अभी हम तुरंत तुम्हारा फैसला कर लो। हाँ मैडम, अरे मैडम कहा है ना कि हमारी बेटी महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछ रही है। अब हमको मालूम है नहीं है तो हम सोचे कि कहे नहीं। अच्छा मैडम, धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। अरे बेटी तुम बड़ी भाग्यशाली हो। वो अपने गार्डन में बैठी हुई है, मैंने बगीचा में। अब बोली है ना कि बेटिया को वही लेके चल आइए, हम सब कुछ बता देंगे। अरे तो तुम चलो ना, इसको क्या करोगे, रख क्या हुई है, जल्दी से रख क्या, जल्दी आओ, आ जल्दी आ जा बेटी, जल्दी आ, मैं तो चली जाएंगी। वो प्रणाम मैडम, प्रणाम। जानती मैडम, हम ही आपको फोन किए थे। ये हमारी बच्चिया है, यही पूछ रही थी कि महिला सशक्तिकरण यानी बाल सशक्तिकरण के, बालिका सशक्तिकरण के बारे में वो जानना चाह रही थी। जी अब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमको यहाँ बुलाई और अपना जानकारी देना चाह रही हैं। तो मैडम सबसे पहले अपना परिचय करवा दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है। नमस्कार, मैं आभा रानी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना से हूँ। और हम लोगों का काम है पाठ्य पुस्तकों का विकास, सिलेबस बनाना, करिकुलम बनाना। अच्छा। और जो DL/ED BEd की ट्रेनिंग होती है इन सब का काम, NTSC एग्जाम लेना। हाँ। डिपार्टमेंटल एग्जाम, बहुत सारे, मतलब वो राज्य की एकेडमिक अथॉरिटी है। तो महिला बालिका सशक्तिकरण के बारे में ये पूछ रही थी। yes. तो कि बालिका सशक्तिकरण होता क्या है, तो मैडम वही बताइए ना पहले। सशक्तिकरण मतलब होता है मजबूत होना। हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे समाज में लड़कियों की संख्या घटते जा रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय से भी लगातार निरंतर संख्या घटते जा रही है, और इसके कारण बालिका सशक्तिकरण पर सरकार का, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबका बहुत ज़्यादा बल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्त्री पुरुष समाज के दो अंग, गाड़ी के दो पहिए के समान है, दोनों बराबरी का अधिकार है दोनों को। और कोई भी पिछड़ा रहेगा तो समाज का उचित विकास नहीं हो पाएगा। और इसीलिए कहीं का विकास दर जो मापा जाता है कि कौन सी जगह विकसित है, तो महिला साक्षरता से उसको देखा जाता है, बालिका साक्षरता से देखा जाता है कि वो कितना विकसित है। लड़की को लड़का के बराबर स्थान देने के लिए सरकार उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, कि लड़कियाँ भी मजबूत हों, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। और इसमें जब शिक्षित रहेगी लड़की, जब वो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वस्थ रहेगी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मतलब वो अर्जन करेगी, वो कमाएगी, तो उसका सशक्तिकरण होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि लोग अभी भी समाज में ये कहते हैं, बेटे के नाम से जाने जाते हैं कि उनके माता पिता हैं। लेकिन जहाँ लड़कियाँ अच्छा कर रही हैं, जिनकी बेटी अच्छी हो गई है, बेटी डॉक्टर हो गई है, बेटी IAS हो गई है, वो अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि वो मेरी बेटी है, हम उनके माता पिता हैं। तो जब स्थिति अच्छी होती है तो लोग
उनका परिचय देना चाहते हैं और ये सशक्तिकरण की बात है, यही बालिका सशक्तिकरण है। क्योंकि अपने राष्ट्रपिता बापू ने भी कहा था, महात्मा गांधी ने, कि अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक आदमी शिक्षित होता है। इसलिए उन्होंने बालिका शिक्षा पे जोर दिया था कि लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि पढ़ी लिखी माताओं के बच्चे अशिक्षित नहीं रहते हैं, पढ़े लिखे पिता के बच्चे रहते हैं, क्योंकि क्योंकि पिता बाहर रहते हैं, पिता बाहर का काम देखते हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी माँ है वो खाना भी बनाएगी तो वहाँ बैठा के बच्चों को सिखाती रहती है। तो इसलिए पढ़ी लिखी माँ के बच्चे अशिक्षित नहीं होते हैं, और आज कोई भी तबका हो वो शिक्षा के महत्व को जानता है। तो मतलब कि महिलाएं यानी बालिका अगर सशक्त हो जाएगी तो पूरा समाज सशक्त हो जाएगा, माने सब लोग समझदार हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि परिवार की धुरी महिला होती है। हाँ। सबसे पहले तो माँ के रूप में, और इसीलिए अपना अपनी जो संस्कृति है, खास के भारतीय संस्कृति में जैसे गुरु का सबसे ऊंचा, उससे 100 गुना ऊंचा स्थान पिता का, और पिता से 1000 गुना ऊंचा स्थान माता का माना गया है। क्योंकि माँ एक तो 9 महीने गर्भ में पालती है और वही है जो वो भार उठाती है, और उसके बाद छोटे बच्चे की परवरिश वो माँ के हाथों में होता है। और माँ जब शिक्षित होती है तो कहते हैं ना कि अभिमन्यु की शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो गई थी, चक्रव्यूह तोड़ा था। तो हम जो कहते हैं कि बाहर में सीखेगा बच्चा या स्कूल जाने पर सीखता है, ऐसा नहीं है। जैसा परवरिश होता है, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा होता है, तो बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू करता है। तो जैसी माँ होगी वैसा उसका मानसिक विकास होगा, स्वस्थ माँ होगी उसका बच्चा स्वस्थ होगा। अगर वो पढ़ी लिखी है, उस वो शैक्षिक स्थिति उसकी अच्छी है, तो उसका बच्चा उसका इंटेलेक्चुअल उसका दिमाग अच्छा होगा, वो अच्छा सीखेगा। तो इसलिए ये सशक्तिकरण में माँ की भूमिका बहुत बड़ी है। उसके बाद घर परिवार, जब बहू आती है तो वो परिवार संभालती है, बेटी है तो वो भी कहीं माँ बनेगी, तो चूंकि उसको माँ बनना है इसलिए उसका बहुत बड़ा स्थान है बच्चे के परवरिश में। और इसीलिए महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है कि महिला पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा आदमी अगर जूता भी गाढ़ता है ना तो अच्छा गाढ़ता है। तो शिक्षा का आदमी पे बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि शिक्षा से जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो दिन दुनिया में क्या हो रहा है वो जानता है, सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसको पढ़कर जान सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। मैडम हम क्षमा चाहते हैं कि बीच में आपको हम टोक रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो बेटिया है ना ये पूछ रही थी कि पापा आप तो हमको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, आप बढ़िया से पढ़ाते हैं। हाँ, क्या पूछ रही थी ना मैम कि सरकार इसके लिए मतलब बालिका को पढ़ाने के लिए मेन चीज क्या कर रही है सरकार? बहुत बड़ी आपकी बेटी बहुत तेज है और जानती है, वो ही कहना चाह रही है कि सरकार मैंने महिलाओं को या बालिकाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या योजना बनाई रही है। बहुत होशियार है बेटी आपकी। और पढ़ती किस क्लास में पढ़ते हो बाबू जी? 12th में पढ़ते हैं। 12th में पढ़ते हैं, सोचिए। तो ये बहुत जागरूक है आपकी बेटी, बहुत अच्छा करेगी और हमको खुशी है आपकी बेटी बहुत अच्छी, और आपने इसको बनाया है, इसलिए आपने इसको पढ़ाया लिखाया है, इसलिए समझते। हमारी सरकार जो है वो बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। जैसे कि केंद्र सरकार में तो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी वो 2015 में, और उस जिले से शुरू किया था जहाँ महिला लिंगानुपात देश में सबसे कम, मतलब कि प्रत्येक 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या जहाँ सबसे कम थी। तो हम कहते हैं कि पंजाब हरियाणा ये सब बहुत विकसित है, सुखी समृद्ध है, संपन्न है, लेकिन वहीं आपको दुख होगा जान के कि पंजाब के हरियाणा में लड़कियों की संख्या सबसे कम है महिला के अनुपात में। तो उन्होंने हरियाणा के पानीपत जिले से 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैडम वो आप बोल रही थी कि सरकार बच्चियों को जन्म से लेकर के और पढ़ाई वढ़ाई सब, तो उसमें हमको यही है कि मैंने पूरा बात तो बता ही दीजिए, तो क्या मैंने शादी ब्याह में भी सरकार मदद करती है क्या? बिल्कुल, वही तो मैं तो बताइए ना, पूरी योजना है, इसीलिए बेटी के जन्म से परेशान होना ही नहीं है जो लोग डरते थे। तो एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें वही है कि बेटी को सुरक्षित रखना,
और उसको समर्थ बनाना, उसको आत्मनिर्भर बनाना इस कार्यक्रम का फोकस है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि भ्रूण हत्या ना हो, जन्म के बाद फिर उसका अच्छा पालन पोषण हो, तो जन्म के बाद माँ को पैसा मिलता है, फिर उसके परवरिश एक जब जन्म हुआ उस समय पैसा, एक साल की हो जाती है बच्ची तो फिर 1,000 रुपया मिलता है, 2 साल की हो गई तो फिर 2,000 मिलता है, इस तरह से पैसा मिलता है। और उसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है कि एक सुकन्या समृद्धि योजना उसमें है। अच्छा, ये क्या है सुकन्या समृद्धि योजना बताइए जरा। तो इसमें क्या है, एक तो कि बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना है, क्योंकि हम आप लोग सब जानते हो कि जैसे आपकी बेटी कितनी होशियार है, तो आप पढ़ाए हैं तब ये इस तरह के प्रश्न इसके मन में आ रहे हैं, तो पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है समर्थ होने के लिए। पढ़ने पे जागरूकता आती है, हर चीज़ हम जानते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आजकल जो सशक्तिकरण होता है वो पैसे पे निर्भर करता है, आर्थिक समृद्धि है तो आदमी सशक्त होता है। और बेटियां खास के महिलाएं परिवार पे बोझ इसीलिए मानी जाती थी, एक तो उनके विवाह में खर्च होता था, बेटी को कहते थे कि इसको दूसरे घर जाना है तो अच्छी शिक्षा नहीं देते थे, बेटे की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च ज़्यादा ध्यान, तो बेटियां समर्थ नहीं हो पाती थी, इसलिए बेटियां एक तरह से बोझ हो जाती थी कि दहेज लगता था। तो अब ये है कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, उसको समर्थ बनाना है, तो उसमें सुकन्या समृद्धि योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है कि बेटी के जन्म के 10 वर्ष के अंदर हम बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं। उसमें क्या है, आप बहुत मिनिमम अमाउंट से, मतलब कम से कम 250 रुपये से वो खाता खोला जा सकता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और उसमें एक खास बात क्या है कि जो ब्याज है वो किसी भी बचत योजना से कम नहीं है, तो ये एक सुविधा है। तो मान लिया हम खाता खोल लिए अपनी बेटी के नाम पर, तो फिर उसमें फिर कैसे और क्या फायदा होता है? उसमें जैसे कि एक तो है कभी भी खाता नहीं खोल सकते हैं, जैसे अब ये बच्ची का के नाम से आप खाता नहीं खोल सकते अगर नहीं खोलें, बेटी के जन्म के 10 वर्ष के अंदर ही खाता खोल सकते हैं। ठीक है, खाता खोलेंगे उसका हर साल उसको चालू रखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसमें ये भी नहीं है कि आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर दीजिएगा, क्योंकि ब्याज दर अधिक है, तो जो लोग धनी है बहुत पैसा जमा कर देंगे। ऐसा नहीं है, 1.5 लाख तक ही आप जमा कर सकते हैं साल में, 1.5 लाख। उसमें फिर आप पैसा कभी भी निकाल लेंगे ऐसा नहीं है। जब बेटी 18 साल की होगी तो आप जो जमा पैसा है उसका आधी राशि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि और शुरू में जो खाता का संचालन माता पिता करते हैं क्योंकि बच्ची छोटी है, लेकिन बाद में वो जब बच्ची होशियार हो गई 18 साल का, तो खाता वो खुद संचालन करेगी। आप उस पैसे को ऐसे 18 साल से पहले निकाल ही नहीं सकते हैं। 18 साल के उम्र में निकालने की इसलिए बात रखी गई है उसमें आधी राशि, कि 18 साल के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा खर्च लग सकता है। या विवाह का न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष है, तो आप शादी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद वो लड़की की अगर शादी हो गई तो वो खाता जहाँ वो रह रही वहाँ वो ट्रांसफ़र हो सकता है। जिस समय खाता खोले उसके बाद उसमें 14-15 साल तक राशि जमा करनी पड़ती है, उसके बाद नहीं जमा करना है, 21 साल में वो मैच्योर होता है खाता खोलने के बाद। उसमें कुछ ऐसे केसेज हैं, कुछ ऐसे समय में आप निकाल सकते हैं, जैसे बेटी की मृत्यु हो जाती है कुछ इस तरह, तब आप पहले भी पैसा निकाल सकते हैं उसमें जमा, क्योंकि अब है ही नहीं बेटी। मैडम, एक दो प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहा है कि एक ठो कस्तूरबा कोई योजना भी हम सुने हैं और एक ठो ये उज्ज्वला योजना सुने हैं, तो इस सब में मैंने क्या मैंने महिला कैसे उसका फायदा ले सकती है? इसमें जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे कि एक तो कि सरकार शिक्षा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है। अच्छा। जैसे कि ये जो बच्चों के लिए पोशाक योजना है, पहले था कि हम कहते थे कि बेटियां कैसे स्कूल जाएंगी अगर हम गरीब हैं, तो वो घर में तो कैसा भी कपड़ा उपड़ा पहन के रह जाती है, स्कूल में उसको शर्म आएगी, जो अच्छा कपड़ा पहना बच्चा उसके साथ वो फटा कपड़ा पहनेगी तो उसको मतलब खराब लगेगा, ह्यूमिलेशन होगा। तो इसके लिए सरकार एक तो कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रही है, आपको ले जाने पर किताब कॉपी उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी है। भूखा बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, तो हमारे पास भोजन नहीं है तो वहाँ मिड डे मील है, मध्यान्ह भोजन योजना है, जिसका मेनू है 7 दिन का, कि अलग अलग भोजन पका पकाया भोजन बच्चे को दिया जाता है, तो उससे बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसके पोषण की बात है। मैंने खाने की भी चिंता नहीं करनी है,
कुछ नहीं, ना आपको किताब की चिंता करनी है, ना आपको खाने की चिंता, और उसके बाद न फी की चिंता, निःशुल्क फी नहीं लगता है सरकारी विद्यालय में, और पोशाक है। अब मैडम एक तो सुने हैं कि बच्चिया सब अगर दूर भी रहे तो सरकार साइकिल भी देती है कहते हैं। वही सब आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि कोई खर्च ही नहीं है। अब जैसे पहले था कि पोशाक, पहले था कि पोशाक योजना थी, और पोशाक योजना में उसमें पहले कक्षा 1-2 के बच्चों को पोशाक दिया गया, फिर 3-5 के बच्चों को, फिर 6-8 के बच्चों को, इस तरह से अपने राज्य में वो बढ़ाते जाया गया है। जैसे अभी भी 1-2 के बच्चों को 600 रुपया मिलता है पोशाक के लिए, कि वो यूनिफॉर्म बनाएगा जूता पहन के, और पैसा बचा तो उसके लिए स्टेशनरी वगैरह की जो कॉपी पेंसिल ये सब होता है वो खरीद सकता है। जो बच्चे मतलब कि उनकी पढ़ाई छूट गई है, स्कूल गया और पढ़ाई छोटे भाई बहन को संभालने के लिए, या माता पिता काम करने चले गए बाहर तो लड़की घर का काम कर रही है, तो ऐसे में उसकी अगर पढ़ाई छूट गई, ड्रॉप आउट है या पढ़ाई नहीं हुई है, तो वैसी बच्चियों के लिए 10 साल की उम्र जिसकी हो गई है तो ऐसे बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय है। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, तो मैं उसमें दोबारा पढ़ सकती है लड़कियां। बिल्कुल, जैसे जो बच्ची स्कूल गई और छूट गया, उसकी पढ़ाई छूट गई, तो उसके लिए तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ना। वो स्कूल मान लीजिए कि आपको 12 साल की लड़की है और उसका हम 6वीं में 7वीं में एडमिशन कराए हैं, नाम लिखाए हैं, तो उस वो नीचे का क्लास का नहीं जानती, उसकी पढ़ाई छूटी हुई है, तो कैसे उसमें रहेगी, नहीं पढ़ पाएगी। तो इसीलिए ये आवासीय विद्यालय, इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है बच्चियों पे कि उनको उस कक्षा के लायक तैयार किया जाता है। उम्र सापेक्ष, जो उम्र है उसके हिसाब से कक्षा में नामांकन उसका ले लिया गया, 6-6 कक्षा से ऊपर, और उसके बाद उसकी तैयारी वहाँ की जाती है। तो वहाँ रहना खाना पीना सब फ्री है। वहाँ वार्डन होती हैं देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब वहाँ पे आवश्यकता, जैसे साबुन तेल नैपकिन ये सब जो भी है सब वहाँ पे व्यवस्था की जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो एक तरह से वो निःशुल्क था ही, वहाँ परवरिश भी हो रही है, एक कल्चर में ढल रही बच्ची, सब एक साथ रह रहे हैं, सबका विकास हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी योजना है। और अपने यहाँ 600 से ज़्यादा कस्तूरबा बालिका विद्यालय चल रहे हैं 600 से पूरे ज्यादा? पूरे राज्य में। हाँ, और ये इसका विद्यालय खुलने का जो तरीका है वो है कि जहाँ जिस प्रखंड में, प्रखंड में एक होता है, तो जहाँ पे साक्षरता दर जो है वो भारतीय जो देश की साक्षरता दर उससे कम है, वहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुल सकते हैं। तो इस तरह से 600 से ऊपर अपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, और ये व्यवस्था है। जो बच्चियाँ बाहर रह रही हैं, जैसे कि 6वीं से 8वीं की बात की मैंने, 9वीं से 12वीं की बात की, तो होता क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, वो नज़दीक में है बच्चों के। जैसे 5वीं तक का स्कूल आपके 1 किलोमीटर के दायरे में, जो भी घर है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है जहाँ 5वीं तक की शिक्षा बच्चा ले सकता है। उसको दूरी तय नहीं करनी है ज़्यादा, क्योंकि 1 किलोमीटर से ज़्यादा बच्चा चल नहीं पाएगा अगर पैदल, तो ये सरकार ध्यान रखी है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे एलिमेंट्री क्लासेज कहते हैं, 8वीं तक का स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में, 3 किलोमीटर के अंदर वो स्कूल होना जरूरी है। इसलिए बच्चा वहाँ जाके पढ़ेगा कि फिर रोज रोज जाएगा, रोज रोज आ जाएगा, रोज जाएगा आएगा। और जब 8वीं कर लिया बच्चा, जब सेकेंडरी स्कूल में गया, 9वीं से 12वीं वाली बात है, तो वो दायरा और बढ़ जाता है, 5 किलोमीटर हो गया, तो उतना दूर रोज आना जाना उससे बच्चे थक जाएंगे। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना जो, हाँ, तो मुख्यमंत्री वो साइकिल योजना है जो पहले बालिकाओं के लिए केवल थी, कि बालिकाएं साइकिल से जाएंगी, और बहुत अच्छा लगता है, एक सशक्तिकरण तो वही हो जाता है, शिक्षा तो हुई ही। साथ में आप देखते होंगे कि जब साइकिल से बच्चियां जाती रहती हैं लाइन से, तो लगता है कि मजबूत हो रही हैं लड़कियां। जानती है मैडम, ई वाला नजारा देख के हमको इतना प्रसन्नता होता है कि हमारा गांव का सब दोस्त लोग है ना, सब लाइन से लड़की जाती रहती है, और इतना अच्छा लगता है कि हम लोग तो लगता है कि बहुत अच्छा है कि हम लोग मिला हुआ होगा। इतना अच्छा अच्छा जानकारी दे रही हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग के समय का एक समय से हम लोग बंधे हुए हैं, और हम लोग का समय भी हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते अगर आप हमारे गाँव घर के दर्शकों को संदेश कुछ दे दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारी गुजारिश होगी सभी अभिभावकों से, सभी शिक्षकों से, कि
सरकार हमें इतनी सुविधा दे रही है बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम ये प्रण लें कि हम अपने बच्चियों को अवश्य पढ़ाएंगे, उनको बराबरी का दर्जा देंगे विद्यालय में और उनको सशक्त बनाएंगे ताकि हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर और सशक्त हो सके। तो गाँव घर के दर्शकों, इतना अच्छा जानकारी मैडम ने हम लोग को दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई सूचना देनी हो या कोई सुझाव देना हो या कोई जानकारी लेनी हो तो हमारा ये पता आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम हमारा है गांव घर और निदेशक दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना 801। जी नमस्कार, धन्यवाद, अब इतना आप लोगों को ज्ञान मिला उसके लिए। अब जाते जाते आप एक लोकगीत सुनिए, हम लोग की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। लगेल चोर गोरा, लगेल चोर गोरा, लगेल चोर गोरा, लगेल चोर डमरुआ हे गोरा, लगेल चोर डमरुआ हे गोरा, लगेल चोर लगेल चोर गोरा, लगेल चोर गोरा, लगेल चोर डमरुआ हे गोरा, लगेल चोर डमरुआ हे गोरा, लगेल चोर। कहब ई संकाच मोर, एक बात कहब ई संकाच मोर, एक बात कहब ई संकाच मोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा, लगेल चोर डमरुआ हे गोरा, लगेल चोर डमरुआ हे डमरुआ हे गोरा, लगेल चोर।
मोती लेलन को कार्तिक गणपति लेलन को कार्तिक गणपति लेलन को चलले भवानी भवानी चलले भवानी नैहर वाकियो चलले भवानी चलले गोरा लगिल चोर रमरुआ हे गोरा लगिल चोर रमरुआ हे गोरा लगिल चोर रमरुआ हे गोरा